चलिए भाई स्टार्ट करें। क्वेश्चन हमारा चैप्टर 9 पे बेस्ड है, हाइट एंड डिस्टेंस। क्वेश्चन का स्टेटमेंट है, विंडो ऑफ ए हाउस इज एच मीटर अबव द ग्राउंड। फ्रॉम द विंडो द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ द अनदर हाउस सिचुएटेड ऑन द अपोजिट साइड ऑफ ए लेन आर फाउंड टू बी अल्फा एंड बीटा रिस्पेक्टिवली, देन प्रूव दैट द हाइट ऑफ द अदर हाउस इज 1 + 10 अल्फा क्वाड बीटा मीटर। ठीक है जी, इसने बोला है कि एक विंडो है वो एच मीटर अबव है। मान लो ये हमारे पास विंडो है जो एच मीटर अबव है। ठीक है जी, यहाँ पे विंडो है। अब एक दूसरा हाउस है इस तरफ, ठीक है, इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन हमें दे रखा है कितना, अल्फा, और इसके बॉटम का एंगल ऑफ डिप्रेशन हमें दे रखा है बीटा, तो ये भी हो गया बीटा। अब इसने बोला है कि प्रूव दैट द हाइट ऑफ द हाउस इज 1 + 10 α 10 β। तो यहाँ पे अगर ये h मीटर है, ठीक है जी, तो ये भी डिस्टेंस हमारा क्या होगा, h मीटर होगा। अब इसको अगर हम इस डिस्टेंस को x लेट कर लेते हैं तो ये भी x डिस्टेंस होगा, ठीक है जी, और इसको हम लोग h लेट कर लेते हैं तो इसमें ये आपका a b c d, ये इसको नेम दे देते हैं, ठीक है जी। ये h, अच्छा इसको y मान लो ना, फिर इसको y मान लो, अलग वेरिएबल मान लो, ठीक है जी। अब देखो इन ट्राइंगल ई डी ए में, इन राइट ट्राइंगल ई डी ए में आपका वाई अपॉन में एक्स इज इक्वल टू टेन अल्फा, वाई अपॉन में एक्स इज इक्वल टू टेन अल्फा, ठीक है जी। अभी इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं इक्वेशन को। अब दूसरा ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल ये ए बी सी, इन राइट ट्राइंगल ए बी सी में एच अपॉन में एक्स इज इक्वल टू टेन बीटा, ठीक है जी, एच अपॉन में एक्स इज इक्वल टू टेन बीटा, तो यहाँ से एच इज इक्वल टू आ गया एक्स टेन बीटा। अब एक्स की वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल के रिप्लेस कर सकते हैं, तो यहाँ से एक्स आपके पास कितना आ जाएगा, वाई अपॉन में टेन अल्फा, इसको मान लेते हैं इक्वेशन वन। तो बाई यूजिंग वन इस एक्स की जगह पे ये वैल्यू आ जाएगी, तो आएगा एच इज इक्वल टू एच अपॉन में टेन अल्फा इंटू में टेन बीटा, ठीक है जी, यहाँ पे, ठीक है वाई। अब यहाँ पे वाई की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो क्या आएगी, वाई की वैल्यू आ जाएगी आपकी एच टेन अल्फा अपॉन में टेन इज इक्वल टू वाई, ठीक है, वन अपॉन में टेन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉट, तो एच टेन अल्फा इंटू में कॉट बीटा इज इक्वल टू वाई, तो ये हमारी वाई की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब आपको निकालनी है हाइट ऑफ द हाउस, मतलब ई सी, तो हाइट ऑफ हाउस मतलब ई सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, वाई प्लस का एच, वाई की वैल्यू एच टेन अल्फा इंटू में कॉट बीटा प्लस का एच, ठीक है। अब यहाँ से अगर एच को मोलोगे तो क्या आएगा, टेन अल्फा कॉट बीटा प्लस का वन, ये आपका आंसर आ गया। इसको इस फॉर्मेट में लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले वन प्लस का टेन अल्फा फिर कॉट बीटा लिख देते हैं और मल्टीप्लाई में एच, ठीक है जी, यहाँ पे एच आएगा, ये प्रूफ करना है, ठीक है।